फ्रिक्शन अगर हम अपने टेक्स्ट बुक में देखें तो टेक्स्ट बुक में इट्स गिवन इन अ वेरी स्मॉल या नो 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 चैप्टर इज गिवन देयर। सो लेट्स बिगिन नाउ। फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इज समथिंग विच वी कम अक्रॉस इन अवर डे टू डे लाइफ। कैन यू साइट एनी फाइव एग्जाम्पल्स वेयर फ्रिक्शन यू कम अक्रॉस द फ्रिक्शन? कैरम बोर्ड में क्या करते हैं, आपको फ्रिक्शन चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता? यू वॉन्ट द फ्रिक्शन? अच्छा, गिव मी एनी एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ द फ्लोर इज स्लिपरी देन वी ट्राई टू टेक द बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा स्टेप ले लो और फैल जाओ, दैट इज द फ्रिक्शन। करेक्ट, फ्रिक्शन है उसमें। सो वेन वी वॉक देर इज अ फ्रिक्शन। इफ यू आर वॉकिंग इन द सैंड, इज इट इजी टू वॉक इन द सैंड? नो। वाई? क्योंकि वहां पे तुम्हारा पैर अंदर धंसता चला जाता है, तो यू डू नॉट गेट दैट रिक्वायर्ड नॉर्मल रिएक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और फ्रिक्शन जो होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जो अभी हम देखने वाले हैं। तो वहाँ पर आपको फ्रिक्शन या ग्रिप नहीं मिलता है। अगर आपका व्हीकल, साइकिल, टू व्हीलर, कार किसी मड में फंस गई है तो वो बाहर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको ग्रिप नहीं मिल रहा है, वो स्लिप होता रहता है। देयर इज द फ्रिक्शन नीडेड। फ्रिक्शन मतलब ग्रिप, ग्रिप बिटवीन। अच्छा, अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो बाइक पे और कहीं पे आपको दिखता है कि रोड पर ऑयल फैल गया है, तो उसको अवॉइड मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं रहता बिल्कुल भी, स्लिपरी हो जाता है। तो व्हाट इज़ अ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज़ द अपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन, दैट इज़ अ फ्रिक्शन। अगर आपको आपके रोड के ऊपर कहीं सैंड गिर गया है तो देर इज़ लैक ऑफ फ्रिक्शन, पीपल गिरते जाते हैं, द पीपल गो ऑन फॉलिंग ओवर देयर, एक्सीडेंट होते जाते। सो फ्रिक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एक्सीडेंट्स। बराबर है क्या? सो फ्रिक्शन, ब्रेक, साइकिल का, व्हीकल का ब्रेक जो होता है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द फ्रिक्शन। करेक्ट ना? इट प्रोवाइड्स द फ्रिक्शन। इफ आई टेक अ बॉल एंड इफ आई मेक द बॉल टू रोल ऑन द स्मूथ फ्लोर, हाउ लॉन्ग विल इट गो? 1 किलोमीटर जाएगा? 1 किलोमीटर जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? नहीं, अगर उसको मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया है तो वो तो जाना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट डजंट गो। कैरम बोर्ड में आप लोग जो वो पाउडर यूज करते हो टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, इट इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। हाँ, आपके जो साइकिल होता है उसमें आप ऑयलिंग करते हो, किस लिए? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ऑयलिंग करते हैं ना, बोलते हैं ना साइकिल का ऑयलिंग किया, उसमें ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग किस लिए? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, सो दीज आर मेनी एग्जांपल्स। अभी पुराना फैन जो होता है कुई 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 वैसे आवाज़ करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बियरिंग्स में फ्रिक्शन है, वहाँ पे ऑयल छोड़ दो आसानी से वो। समझ में आ गया? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। कितने एग्जाम्पल्स में आपको, मैंने आपको 5 पूछा, आप बता ही नहीं रहे, तो मैंने आपको 10 बता दिए फटे फटे, ठीक है ना? सो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। देखो ये बंदा वहाँ पर उस बॉक्स को हिला रहा है, कबर्ड को हिला रहा है, सो देर इज अ फ्रिक्शन, इट डजंट मूव। सो देर इज अ फ्रिक्शन वी से, इजंट इट? सो यहाँ पर फ्रिक्शन है। अब देखिए ऐसा है कि इसमें इफ दिस मैन इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो द वेयर इज द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है इस दिशा में, ऐसे, दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझे? इजंट इट? अच्छा, बंदा बोलता है ठीक है बाबा, मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा, तो फ्रिक्शन बोलता है ठीक है तू डायरेक्शन चेंज कर सकता है, तो मैं भी डायरेक्शन चेंज कर लूँगा, तो फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग,
ठीक है। अच्छा, बंदे ने फोर्स अप्लाई किया है 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बोला ठीक है मैं भी 1 न्यूटन, ही सेड नहीं नहीं आई विल इंक्रीज माई फोर्स 2 न्यूटन, बोला ठीक है मैं भी 2 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। लेकिन इसका कुछ लिमिट होता है, अगर आप कुछ हेवी चीज़ हिलाने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू मूव इट, यू आर अप्लाइंग सर्टन फोर्स ऑन दैट, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, शायद 20 न्यूटन में ये इट विल स्टार्ट मूविंग, क्योंकि ये बोलता है 20 न्यूटन तक मैं गया, फिर ये बोलता नहीं 20 से ज़्यादा, ये बोला नहीं मैं हैंड्सअप हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया मैंने क्या बताया आपको? तो ये जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? पहले तो ये बंदा यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फ्रिक्शन विल ऑल्सो बी एक्टिंग ओवर देयर। समझ में आया? अगर इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया तो ये भी डायरेक्शन चेंज करेगा, इसने अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाया तो ये भी अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा। सो वी से दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट्स अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, वो खुद का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एडजस्ट कर लेता है, इट एडजस्ट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, अपोज ही करना है उसका काम एक ही है, जो भी कुछ वहाँ पे रिलेटेड टेंडेंसी ऑफ मोशन है उसको अपोज करने का, इट विल जस्ट अपोज दैट, इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन इसका कुछ तो लिमिट होता है, मैक्सिमम लिमिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट वी कॉल दिस एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वी कॉल दिस एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उसके ऊपर फिर वो बोलते हैं नहीं हैंड्स अप, इससे ज़्यादा नहीं, समझे? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब फ्रिक्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, मोशन शुरू होने से पहले जो होता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम देखें तो आई वुड से टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो सबसे पहला टाइप होता है कि यहाँ पे वो कबर्ड हिल ही नहीं रहा है, इज नॉट एबल टू मूव दैट कबर्ड, सो दिस इज द फ्रिक्शन बिफोर द मोशन स्टार्ट्स, दिस इज द फ्रिक्शन बिफोर द मोशन स्टार्ट, दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक बोले तो द बॉडीज आर एट रेस्ट, बॉडीज एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड ए स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडीज आर मूविंग, द बॉडीज आर इन मोशन, ओके, बॉडीज इन मोशन। बॉडीज इन मोशन, कई बार इसको काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, समटाइम्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायनामिक फ्रिक्शन, इज दैट क्लियर? ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन के और दो टाइप्स होते हैं जी, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एज द नेम सजेस्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, इधर अगर इसको मूव करेंगे तो ये घिसता हुआ जाएगा, सो दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होगा, इज दैट क्लियर? या सो दिस इज द नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, इज दिस क्लियर टू ऑल? तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पर होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, रोल होता है, आसानी से रोल होता है, इसीलिए तो गाड़ी है जो होती है, समझे क्या, उसलिए तो रोल किया जाता है ना उसको, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर, रोलिंग फ्रिक्शन, इजंट इट? या तो ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है, दिस इज द रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और इसके पहले ये जो दिखा है वो क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम,
स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है. इज़ दिस क्लियर टू ऑल? इज़ दैट ओके? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मैक्सिमम, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन उससे भी कम हो जाता है. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है. अब ये जो सारे के सारे फ्रिक्शंस होते हैं, दे ऑलवेज ओबे सम लॉज, लॉज ऑफ फ्रिक्शन. तो लॉज ऑलमोस्ट सारे लॉज कॉमन होते हैं. अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू एस. म्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू, दिस इज म्यू एस. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिनोटेड बाय म्यू के. सो वेन एवर देर इज बॉडीज विच आर इन मोशन, तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया सबको? दिस इज ओके? हाँ बोलना. इफ आई ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ दिस कबर्ड, दिस इज गोइंग टू बी, लेट्स से दिस इज द कबर्ड, क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर? फर्स्ट, इट्स सेल्फ वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. एंड देन देर इज द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, जिसे एन भी कहते हैं, आर भी कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द सर्फेस, सपोर्टिंग सर्फेस. एंड देन देर इज द फोर्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स, हियर वी कॉल दिस एज द एफर्ट. इसको मैं क्या बोलूँ, इसको मैं पी बोल सकता हूँ, आई कॉल दिस एज द एफर्ट, अप्लाइड इज पी. एंड देन देर इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग एट द इंटरफेस. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी एक्ट एट द इंटरफेस ऑफ द टू सर्फेसेस विच आर हैविंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, जब भी कभी टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा. टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मतलब ये इसके ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस कबर्ड हैज टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट? लेकिन तभी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आके अपना काम शुरू कर देता है. सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर यहाँ पर नो फोर्स, इफ देर इज नो फोर्स हियर, देन देर इज नो फ्रिक्शन हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब आप वहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हो तभी ये आके अपना काम शुरू कर देता है. इसीलिए तो इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं, खुद को खुद एडजस्ट कर लेता है ये. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है. सो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ लिमिट है. ये कितना लिमिट है? लेट अस से फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन के ऊपर ये नहीं जा सकता, तो 20 न्यूटन के ऊपर ये हाथ ऊपर कर देता है, नहीं बाबा इससे ज़्यादा नहीं, देन द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ. तो व्हाट, जैसे ही ये मूव होना शुरू हो जाता है, सुनना, जैसे ही ये मूव होना शुरू हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म हो गया, अब काइनेटिक फ्रिक्शन का काम शुरू हो जाता है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन कंपैरेटिवली लेस होता है. तो बॉडी जब तक मूव नहीं होती तब तक आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. जैसे ही मूव हो जाती है तब थोड़ा कम फोर्स अपने आप हो जाता है, क्योंकि वहां पे द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड. इज दिस क्लियर? यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग इन योर डे टू डे लाइफ, करेक्ट? एंड दैट्स व्हाट यू आर अबाउट टू आस्क, करेक्ट ना? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग. ओके, एनीवेज, सो लेट अस प्रोसीड नाउ. तो ये फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, मैंने भी वैसे ही ड्रॉ किया है फ्री बॉडी डायग्राम. अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये अगर बॉडी इज एट रेस्ट होगा तो यहाँ पर स्टैटिक लिखना पड़ेगा, एंड इफ द बॉडी इज मूविंग तो काइनेटिक के लिखना पड़ेगा, एफ के. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? काइनेटिक फ्रिक्शन इफ इट इज मूविंग, ठीक है. लेकिन फ्रिक्शन तो होता है, चाहे बॉडी स्टेशनरी हो या मूविंग हो, स्टेशनरी में ज़्यादा होता है फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर. नाउ व्हाट आर द लॉज हियर? द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन सेज, द फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन सेज, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोई भी हो, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, अब यहाँ पर देखिए, मैंने वेट इधर दिखाया है, तो वेट इन्होंने इधर, यहाँ पर वेट इन्होंने इधर नीचे दिखाया है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. तो ऐसा चलता है कि आप नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दिखाया, ये ऊपर दिखाया, तो इट्स द सेम थिंग एक्चुअली, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. सो दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. इज दैट क्लियर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या डायनेमिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो. अच्छा, तो इन दिस केस मैं इसको इन शॉर्ट क्या लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड देन आई विल से एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी.
some constant of proportionality. This constant of proportionality is denoted by mu into the normal reaction. ठीक है, अब यही अगर मैं स्टैटिक और काइनेटिक के लिए लिखूँ तो ये कैसा लिखाई लिखेगा, दिस विल बी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और क्या लिखेंगे जी यहाँ पर, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ रहा है सबको? सो ये है पहला लॉ. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रिक्शन. इन्होंने जो दिया है वो यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया. द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द बॉडी इज अपोजिट टू द वेलोसिटी. सेम लॉ दिया है यहाँ पर मैंने, तीनों लॉज का यहाँ पर एक आपको एब्स्ट्रैक्ट दिया है. दूसरा दिया है कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड, द फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है जी, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन. समझ में आ गया? एंड वेयर डज दिस एक्ट? दिस विल ऑलवेज एक्ट एट द इंटरफेस इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट ऑलवेज एक्ट्स एट द इंटरफेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इट विल ऑलवेज एक्ट एट द इंटरफेस इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन सो एज टू अपोज द मोशन, सो एज टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन. तुमको कॉल करना है, विल एक्सटेंड इट. हाँ, बैठ के करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, या बाहर जाके करना है करो, व्हाटएवर. सो एज टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, सो एज टू अपोज द टेंडेंसी ऑफ मोशन. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझे? तो ये है फ्रिक्शन के कुछ लॉज. वी सॉ दिस लॉज. अब हम देखते हैं कि भाई फ्रिक्शन क्यों, कहाँ से आता है एक्चुअली. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम एक्चुअली, कहाँ से आता है फ्रिक्शन. तो उसको हम एटॉमिक लेवल पे अगर देखें, इफ वी सी दिस इन द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो कोई भी सरफेस जो आपको एकदम प्लेन दिखाई देता है वो प्लेन नहीं होता. माइक्रोस्कोप लेवल पर अगर उसको देखें तो इट इज़ क्वाइट इरेगुलर. यहाँ पर कुछ प्रोजेक्शंस आते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड एज हिल्स एंड डेल्स, हिल्स एंड डेल्स, और वी से दीज आर अप्स एंड डाउन्स जो है. ओके, वी कॉल देम एज हिल्स एंड डेल्स. ओके, और या फिर हम इसको प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस भी कहते हैं. They are also called as projections and depressions. तो जब दो surfaces contact में होते हैं, whenever there are two surfaces in contact, तो इनके जो hills and dells या projections and depressions होते हैं उनका interlock हो जाता है. They get interlocked. So it can happen like this. ऐसा हो जाता है वो interlocking of hills and dells. ओके, इस तरह से. एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस ऑफ द फ्रिक्शन. अब जैसे ही आप उसको फोर्स लगा के अप्लाई कर जाते हो तो ये दिस रन्स ओवर. अब आप जब इसमें, सो सपोज वन सरफेस इज हैविंग इस टाइप ऑफ सरफेस एंड द सेकेंड सरफेस इज इस तरह का है, समझो के. सो दे आर गेटिंग इंटरलॉक हियर, वो इंटरलॉक हो जाते हैं यहाँ पर. ठीक है, और आप जब इसमें लुब्रिकेशन फील करते हो, कैरम में जो पाउडर यूज़ किया जाता है, तो वो जो पाउडर होता है वो यहाँ पे जाके इट बिकम्स स्मूथ. यहाँ पर वो पाउडर जो होता है, ये दीज पोजिशंस आर ऑक्यूपाइड बाई दैट पाउडर थिंग, तो देर इज़ अ स्पेस मेंटेन बिटवीन देम. So, okay, that it becomes easy to write. Is that clear? हो गया क्या, कुछ डाउट? ओके, ठीक है. सो दिस इज वॉट हैपन्स देर. ओके, देर इज वन मोर थिंग
कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड है एट दीज कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, कई बार यहाँ पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स भी तैयार हो जाते हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रांग बॉन्ड्स. दीज बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोल्ड वेल्डिंग्स. क्या कहते हैं इसको? कोल्ड वेल्डिंग्स. वेल्डिंग कहते हैं इतना वो स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स तैयार हो जाते हैं एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट. सो दिस इज वन मोर रीजन फॉर द फ्रिक्शन. ठीक है, तो पहला है इंटरलॉकिंग ऑफ हिल्स एंड डेल्स एंड दूसरा है कोल्ड वेल्डिंग्स द मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्मेशन. ये दिस इज द रीजन फॉर द फ्रिक्शन. वेल, दिस मच ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज इनफ. नाउ आई थिंक वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना काफ़ी है फ्रिक्शन के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. लेट्स बिगिन. सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. अ बॉडी स्लीपिंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन मूव्स विद अ डिसेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डिसेलरेशन. ठीक है, वॉट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. बॉडी मूव हो रहा है तो वहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या डायनेमिक फ्रिक्शन होगा फॉर श्योर. तो वही अपने को पूछा गया. बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन, लेट मी ड्रॉ द स्केच हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो ये है ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग ओवर अ सर्फेस. वी से स्लाइडिंग, इस तरीके से वो स्लाइड कर रहा है. सही कर रहा है, चलिए ठीक है. ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक वो स्लाइड कर रहा है. इफ़ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. चलिए बताइए, व्हाट आर द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस विच आर देयर. पहले तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो आई शो हियर द वेट. दिस इज द वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स. देन देयर इज द नॉर्मल रिएक्शन. करेक्ट ना? देयर इज द नॉर्मल रिएक्शन विच इज एट द सपोर्टिंग सर्फेस. ये रहा नॉर्मल रिएक्शन. सो आई विल से दिस इज द वेट. W इज इक्वल टू mg एंड द नॉर्मल रिएक्शन, लेट मी कॉल दिस एज n. n इज द नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट इट इज हैविंग डिसेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब मोशन के अपोजिट दिशा में जो एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं डिसेलरेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? तो हम यहाँ पर या तो ऐसे बात करते हैं कि समझो कि लेट मी से एक मिनट हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि द बॉडी इज इन दिस डायरेक्शन. से फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट दिशा में एक्ट करने वाला है. सो द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इज दिस ओके? तो मैं इसे लिखूंगा एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी रहेगा -4 लिखूंगा. इज दिस ओके? ठीक है, द बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. चलिए एक्सेलरेशन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले तो मोशन के बारे में बात करें. तो मोशन इज इन दिस डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. इट विल ऑलवेज अपोज द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन. सो आई विल से दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कौन सा फोर्स है? वही है, दिस इज द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड दिस काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. इज दिस ओके? दिस इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन. इज दैट क्लियर? लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर द बॉडी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. बॉडी इस दिशा में है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ठीक है ना, इजंट इट? तो अब आप मुझे बताएं, और इसी के वजह से तो वो डिसेलरेशन है. जो कोई डिसेलरेशन इसी के वजह से है. चलिए बताइए, तो अब मुझे फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम मुझे बताइए, क्या ये बॉडी वर्टिकल में
ये अपने आप ऊपर जा रहा है या नीचे कुछ आ रहा है, नहीं ना, दैट मीन्स दीज टू फोर्सेज आर बैलेंसिंग ईच अदर, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो कैसे बैलेंस कर रहे हैं भैया, आई वुड से दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी, यस और नो, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दे विल बैलेंस ईच अदर, करेक्ट, लेकिन हॉरिजॉन्टल दिशा में ये बैलेंसिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल दिशा में ये बैलेंसिंग नहीं है, क्योंकि बॉडी तो इस तरफ जा रहा है, बॉडी इस तरफ जा रहा है, करेक्ट ना, सो देयर इज अ नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और वही फोर्स कौन सा है, दैट एफ विच इज इक्वल टू एम ए, इजंट इट, इज इक्वल टू ए, इसकी वजह से, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर, अच्छा दूसरी बात ये हम ऐसा करते हैं, वन सेकंड, हॉरिजॉन्टल दिशा के लिए मैं बोलता हूँ कि इस दिशा में बॉडी जा रहा है तो यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, लेकिन तो व्हाट कैन आई से हियर दैट दिस एम ए इज इक्वल टू दिस फोर्स, कैन आई से सो, समझ में आ रहा है, दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, एक्चुअली क्या हो रहा है पता है क्या, मैं अगर आपको एक्चुअल में बता दूं तो एक्चुअली ये अकेला फोर्स वहां पर एक्ट कर रहा है, दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग हियर, मोशन इस तरफ है, मोशन इस तरफ है, बट दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग एंड दिस इज द फोर्स विच इज कॉजिंग द डिसेलरेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यही वो फोर्स है जिसकी वजह से डिसेलरेशन है, मोशन उस दिशा में है और ये फोर्स अपोजिट में एक्ट कर रहा है इसीलिए वो डिसेलरेशन है, अगर ये भी फोर्स उसी दिशा में होता तो वो एक्सेलरेशन हो जाता ना वो, तो कैन आई डायरेक्टली से दैट दिस इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि वहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये तो सब्स्टिट्यूट कर ही दिया है और एक्सेलरेशन के लिए माइनस फोर की जगह पर मैं सिर्फ प्लस फोर लिख दूंगा, इज दैट क्लियर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं अगर ये वाला इक्वेशन ले लूँ तो म्यू के एन इज इक्वल टू एम ए, बट वॉट इज एन इज इक्वल टू एम जी, सो कैन आई से म्यू के इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम गेट्स कैंसल, सो वॉट इज द म्यू के का वैल्यू ए, वॉट इज ए इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई जी, जी इज इक्वल टू हम 10 ले सकते हैं या 9.8 भी ले सकते हैं, सो वॉट इज म्यू के का वैल्यू 0.4, इज दिस क्लियर टू ऑल, एनी डाउट्स अबाउट दिस, समझ में आया सबको ये, ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हैव अ कैलसी प्लीज, यार अ ब्लॉक स्लाइड्स, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू, वेल यहाँ पर एक थर्टी डिग्री, ये 30 डिग्री का है स्लोप एंड देन देयर इज अ ब्लॉक ओवर हियर, ठीक है, यहाँ से वो शुरू होता है, नाउ आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, तो आई हैव टू शो हियर ऑल द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस, ठीक है, उसके मुझे एक्टिव और रिएक्टिव फोर्सेस चाहिए, व्हाट आई विल डू, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मुझे बताइए क्या क्या कैसे एक्ट करेगा, सेल्फ वेट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आई विल शो इट ओवर हियर लाइक दिस, नेक्स्ट आई विल से दिस इज एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, नेक्स्ट, हाँ बोलो बोलो बोलो, करेक्ट, तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो है ना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वही तो सेल्फ वेट है, दैट इज इट, नॉर्मल रिएक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा, नॉर्मल टू द सपोर्टिंग सरफेस, इसीलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर,
So the normal reaction in this case is in what direction? It will be normal to the supporting surface, तो वो इस दिशा में होगा. Please understand. This is the normal reaction. Is this clear? Yes. Let me call this normal reaction as R बोल सकते हैं, N बोल सकते हैं, कुछ भी. Is that okay? ठीक है. इसके अलावा I think these are the only two forces. इसके अलावा Is there tendency of motion? Yes. तो tendency of motion कौन सी दिशा में है? Downward. So this is the direction of motion. Tendency नहीं, actual motion ही है. अगर motion इस दिशा में है तो force of friction कौन सी दिशा में होगा जी? Opposite direction. Correct ना? So I'll have to show here the force of friction at the interface in this opposite direction. I hope this is clear to you all. Yes. So this is the force of friction F. Is that okay? Yes. ये है force of friction. And this force of friction, कौन सा है ये? It's motion ना? So it is Fk. Is equal to mu k times the normal reaction R. Mu k times R या mu k times N. समझे? अच्छा, one more thing here कि देखिए ऐसा होता है कि ये जो force है इसको मैं resolve कर लूँ. आप लोगों ने चैप्टर वेक्टर्स चैप्टर देखा है जिसमें रिजोल्यूशन देखा है. तो अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना है तो आई विल रिजॉल्व इट इन दिस डायरेक्शन. एक है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और दूसरा है पैरेलल टू दिस प्लेन, ऐसे. और मैंने थीटा के बारे में आपको कुछ दिन पहले, दो तीन दिन पहले ही बताया था. एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स. तो वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि भाई ये एक पिंक वाला लाइन है और ये ब्लू वाला लाइन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है. आई रिपीट, दिस इज़ ब्लू वाला लाइन एंड दिस इज़ पिंक वाला लाइन, एंगल इज 30 डिग्री. अब ब्लू इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर होता है वर्टिकल, सो दिस इज़ ब्लू लाइन, ब्लू का परपेंडिकुलर ब्लू. समझ में आ गया? अच्छा, पिंक इज इंक्लाइंड लाइन और इस इंक्लाइंड लाइन, सॉरी, पिंक इज इंक्लाइंड लाइन और इस इंक्लाइंड लाइन का परपेंडिकुलर यहाँ पर पिंक दिखा दिया मैंने, करेक्ट है? आर दे परपेंडिकुलर? यस, है ना? चलिए, तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो कौन सा 30 डिग्री का होगा? ये वाला. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स. ये मैंने आपको बताया था, दोबारा अभी आपको एक्सप्लेन किया. एंड देयरफॉर आई वुड से दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, करेक्ट? अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, अभी देखिए एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट कोसाइन होता है और एंगल का सामने वाला कंपोनेंट साइन होता है, ठीक है ना? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस कंपोनेंट? दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एम जी कॉस 30 और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, मतलब ये सामने वाला कंपोनेंट होता है एम जी साइन 30. इज दिस क्लियर? तो इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है? अब ये जो है ना तो हवा में ऊपर उड़ेगा ना तो इस इंक्लाइंड प्लेन के अंदर धंसेगा, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. समझे क्या? फॉर इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल डायरेक्शन आई कैन से अपवर्ड फोर्स दैट इज आर इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो. समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बोलते हैं इसको. समेशन एफ वाई मतलब मैं इस दिशा में एक्स डायरेक्शन कंसिडर करूंगा, इस दिशा में वाई डायरेक्शन कंसिडर करूंगा एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन इज जीरो. दैट इज द रीजन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. वी से तो अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव दैट इज प्लस आर एंड डाउनवर्ड फोर्स इज नेगेटिव दैट इज माइनस एम जी कॉस 30. आप ऐसा इसको लिख सकते हो या देख सकते हो या फिर दूसरे तरीके से कि भाई अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स दैट मीन्स आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 30. कैन आई से सो? आई कॉल दिस एज इक्वेशन वन. सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है, ये दोनों फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, उसमें से कौन जीत रहा है? ये दोनों फोर्सेस है, उसमें से कौन जीत रहा है? इट इज एम जी साइन 30 माइनस म्यू के टाइम्स द रिएक्शन. ये है टोटल फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज द फोर्स विच एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए. समझ में आ गया सबको? इजंट इट?
अब आप मुझे बताइए व्हाट इज म्यू के इज इक्वल टू, बिकॉज आर इज इक्वल टू एम जी, सॉरी म्यू के आर, आर इज इक्वल टू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लूँगा तो क्या मिल जाएगा बताइए, दिस विल बिकम एम जी साइन 30 माइनस म्यू के टाइम्स आर, आर मतलब एम जी कॉस 30 इज इक्वल टू एम ए, इसमें से एम गेट्स कैंसल थ्रू आउट, कैन आई कैंसिल दिस? अब मुझे म्यू के चाहिए जी, आई वॉन्ट रादर आई वॉन्ट एक्सेलरेशन, म्यू के मुझे पता है, व्हाट इज़ अ म्यू के, नहीं नहीं दिया है, ओके म्यू के, अच्छा इन्होंने बोला है कि यहाँ से नीचे जब आता है वो इट कवर्स 8 meters, एस इज इक्वल टू 8 meter इन द फर्स्ट 2 seconds, मतलब टी इज इक्वल टू 2 seconds स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यू इज इक्वल टू 0, करेक्ट? अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट करिएगा इसमें क्या बनेगा, एस इज 8, यू इज इक्वल टू 0, हाफ एक्सेलरेशन आई डोंट नो एंड दिस इज 2 का स्क्वायर, देखिए 1 2 इधर कैंसिल हो जाएगा तो आई विल गेट 8 इज इक्वल टू 2a एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मुझे किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है वो पता चल गया, दैट आई विल सब्सटीट्यूट ओवर हियर, इज दैट क्लियर? तो अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या मिल जाएगा, नो आई टेक g का वैल्यू इज इक्वल टू 10, g इज इक्वल टू 10, तो ये बनेगा 10 साइन 30 इज हाफ माइनस म्यू के आई डोंट नो एंड दिस इज 10 cos 30, cos 30 इज एक्चुअली रूट 3/2, समझे, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन विच इज 4, तो ये बनेगा 2 5 जा एंड 5 माइनस 4 और ये जो माइनस वाला है वो उधर जाके प्लस बन जाएगा, सो 5 माइनस 4 इज 1 इज इक्वल टू म्यू के इंटू 5√3, क्योंकि दिस इज 2 5 जा, करेक्ट ना, सो व्हाट विल बी म्यू के इज इक्वल टू, म्यू के इज इक्वल टू 1/5√3, अब देखिए 1/5 का मतलब होता है 0.2 एंड √3 इज 1.732, तो ये जो भी कुछ आंसर आएगा 1.73, सो 0.2/1.732 कैलसी से कर लीजिएगा क्या आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 1.732 0.173, दिस इज 0.173, ओके वेल दैट इज द आंसर, इज दिस क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया सबको ये, समझ में आ गया आंसर, 0.173 आया ना, हाउ इज दैट 0.2/1.732, या दिस कम्स आउट टू बी 0.115, इज दिस क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया सबको, चलिए आगे बढ़ते, इज दैट क्लियर, ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया, फ्रिक्शन में इंक्लाइन प्लेन का कई बार वो पूछते हैं, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, सपोज द ब्लॉक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4 newton, पहले वो अपने आप आ गया था अब उसको पुश किया है, हाउ फार विल इट विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 seconds आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg, फ्री बॉडी डायग्राम वही रहेगा लेकिन अब के बार उसमें एक फोर्स और ऐड हो रहा है, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा, रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, व्हाट इज गोइंग टू गेट एडेड हियर, आई जस्ट कॉपी दिस हियर, बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा लेकिन इसे पुश किया गया है ना डाउनवर्ड, इनिशियली दिस इज पुश्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सर्टन फोर्स, यहाँ पर इसके ऊपर एक फोर्स भी तो ऐड कर रहा है शुरुआत में जो पुश किया है वो, कितना फोर्स है वो 4 newton का, दिस इज पुश्ड डाउन विद द फोर्स ऑफ 4 newton, इज दिस क्लियर, एनी डाउट्स अबाउट दैट, ये एडिशनल फोर्स है यहाँ पे, बाकी सब चीज़ें अब देखिए मोशन ऐसा है, This is the direction of motion which is taking place over there. The motion is in the downward direction. So, free body diagram से ये वाला upward force is equal to downward force. मतलब पहला equation आएगा R is equal to mg cos 30
वो तो एज इट इज़ आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वॉट शेल आई राइट हियर इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल वाला, एक्स डायरेक्शन वाला, वो इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए मुझे, क्योंकि या दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो। अब इसमें मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्सेस कितना कैसे आएंगे, देखिए ये दोनों नीचे एक्ट कर रहे हैं और ये अपोज में एक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसको मैं लिखूंगा 4 माइनस एम जी, नाउ एम इज इक्वल टू 4 ही दिया है ना इन्होंने, तो आई कैन राइट इस एम के जगह पर 4 लिखिए, इस एम के जगह पर भी 4 लिखिए, सो दिस विल बी 4g, करेक्ट ना। सो 4 प्लस 4g साइन 30, दीज आर द फोर्सेस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये और ये माइनस वाला है, माइनस एफ के, नाउ दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ये टोटल फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दैट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम ए मतलब 4a, इज दिस ओके, ये टोटल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, करेक्ट। अब मुझे सब्स्टिट्यूट करने दीजिएगा, दिस इज 4 प्लस 4 इंटू जी इज 10 एंड साइन 30 इज हाफ, माइनस एफ के इज दिस एक्चुअली, दिस इज एफ, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, सो विल राइट इट एज म्यू के इंटू आर, आर इज इक्वल टू दिस 4g cos 30 एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए। मेरे ख्याल से ये 4 जो है वो सब तरफ से उसको उड़ा देते हैं, 4, 4, 4 एंड 4, ठीक है ना, डिवाइड थ्रू आउट बाई 4, तो क्या बचेगा, दिस इज 1 प्लस 2 5s are 10, 5 माइनस म्यू के हमने पिछली प्रॉब्लम में फाइंड आउट किया था, वही यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट इज दैट म्यू के का वैल्यू दैट वी गॉट देयर, म्यू के हमने जो पहले यूज़ किया था, पहले फाइंड आउट किया था, वो 0.11, म्यू के इज इक्वल टू 0.11, आई विल यूज़ दिस वैल्यू हियर, सो माइनस म्यू के इज, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने म्यू के नहीं पूछा है, 0.11, जी का वैल्यू इज 10, कॉस 30 इज √3/2 इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। अब कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2 मतलब ये बन जाएगा आपका 0.866 आता है, क्योंकि √3 इज इक्वल टू 1.732, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और ये आप कैलसी से कर लीजिएगा, सो दिस विल बिकम 6 माइनस 0.11 इंटू 10, दैट इज 1.1 इंटू 10, तो दिस इज 1.1 इंटू दिस इज इक्वल टू ए, तो कैलसी से कर लीजिएगा कितना आएगा, देखिए देखिए प्लीज, तो 5.0 है, तो ये आई टेक दिस एज ए इज इक्वल टू 5.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट, ओके। अब उन्होंने पूछा कि अ ब्लॉक मूव्स, हाउ फार विल द ब्लॉक मूव, यहाँ से निकलने के बाद 2 सेकेंड में वो कितना मूव करेगा, तो अगेन आई यूज द सेम फार्मूला, कौन सा फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन्होंने एस पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है या कितना है, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ना, तो 0 है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया है एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो दैट्स इट, जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर, सो एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 5.05 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, इसमें से 1-2 कैंसिल हो जाएगा, सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी 10.1 मीटर, दिस विल मूव 10.1 मीटर और 10 मीटर बिफोर, इज दिस क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया सबको ये, ओके। सो दैट वॉज सेम प्रॉब्लम, अगर हमने उसको पुश किया तो पहले केस में उसको सिर्फ रिलीज किया, बाद में दूसरे केस में हमने उसको पुश किया गया, इज दैट क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गो फॉर, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन द रफ इंक्लाइंड प्लेन, मास ऑफ द बॉडी इज गिवन हियर 2 kg, रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 30 degree, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड
needed to move, make the block move up the inclined, down the inclined, coefficient of static friction 2. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस इज इक्वल टू 0.2. वेल लेट मी ड्रॉ द डायग्राम हियर, डायग्राम ऑफ द ब्लॉक. सेम डायग्राम आएगा तो आई यूज़ द सेम डायग्राम, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा ऑफ कोर्स. विल सी दैट, विल डू दैट वट एवर डिफरेंस इट इज. देखिए इसमें आई रिमूव दिस 4 न्यूटन. मोशन कौन से दिशा में अपने को डिसाइड करना है. 2 kg का ब्लॉक है, 30 degree है, तो लेट मी टेक इट एज 30 degree ओनली. ये mg sin 30 और mg cos 30 सेम वैसे का वैसा आएगा, ठीक है ना. चलिए आप मुझे बताइए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मैं बाद में डिसाइड करूँगा. देखिए there are two options, there are two possibilities given, please try and understand what I'm trying to tell you. दो केसेस है. फर्स्ट केस दे से अप द इंक्लाइन, मूव द ब्लॉक अप. इस ब्लॉक को अप मूव करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस ब्लॉक को अगर मूव करना है अप, तो फोर्स कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा मुझे? अरे मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो आई वुड से द फोर्स विच इज एक्टिंग, विच आई वॉन्ट टू अप्लाई हियर, इट इज इन दिस डायरेक्शन. आई एम ट्राइंग टू मूव इट अप, सो दिस इज द फोर्स एफ. समझा? और इन्होंने वही पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइंड नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप. सो आई वांट टू फाइंड आउट दिस फोर्स एफ हियर, कैपिटल एफ, दैट इज द फोर्स अप्लाइड. सो द ब्लॉक ट्राइज टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, टेंडेंसी ऑफ द मोशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ से ऐड करेगा, कैसे ऐड करेगा बताइए. एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर इसको. सो दिस इज द फोर्स एफ. हाँ ये पूछा है फ्रिक्शन कहाँ पर ऐड करेगा. द फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इधर ही ऐड करेगा एंड द फ्रिक्शन हियर इज गोइंग टू एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इज दिस क्लियर? आई विल कॉल दिस एज एफ एंड दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ये मूव नहीं हो रहा है, टू मूव इट स्टार्ट, मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. सो आई वुड से एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इन टू द नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट? बट वट इज नॉर्मल रिएक्शन? आर इज इक्वल टू mg cos 30. सो कैन आई डायरेक्टली से हियर that this is equal to mu s into r, but r is equal to mg cos 30, so I'll say it is mg cos 30. is this clear to you all? ठीक है, ये है force which is the force of friction. तो नीचे कौन कौन से forces है और ऊपर कौन कौन से forces है? देखिए यहाँ पर motion नहीं हो रहा है, यहाँ पर tendency of motion है, that means the forces are in equilibrium, the forces are in equilibrium. This condition is called as impending motion. इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इम्पेंडिंग मोशन. और द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू बिगिन टू मूव, इम्पेंडिंग मोशन. ओके, या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, बॉक्स इज, द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव, ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव. इज दिस क्लियर? और वी ऑल्सो कॉल दिस इज लिमिटिंग कंडीशन. सुनो, वी ऑल्सो कॉल दिस एज लिमिटिंग कंडीशन, क्योंकि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसके मैक्सिमम तक पहुंच चुका है. दिस इज कॉल्ड एज लिमिटिंग कंडीशन. इज दिस ओके? तो इसमें सारे फोर्सेस बैलेंस है, अब थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी ढल जाएगा,
तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग. इज दिस क्लियर? सो दिस इज दैट कंडीशन. तो इस कंडीशन में ऊपर के दिशा में एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है और नीचे उसको खींचने वाला ये एक है वेट का कंपोनेंट और ये है फ्रिक्शनल फोर्स. देर इज अ वेट का कंपोनेंट एंड देर इज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. इज दिस ओके? सो यहां पर इक्वेशन में लिखूंगा तो क्या मिल जाएगा? एफ एफ विच इज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में होगा एम जी साइन 30 प्लस एफ एस मतलब दिस दैट इज म्यू एस टाइम्स एम जी कॉस 30. इज दिस क्लियर? अच्छा अब इसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई. म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 तो एम इज इक्वल टू कितना के जी है? 2 किलो दिया है ना यहाँ पर. एम इज इक्वल टू 2 kg. सो लेट मी जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर. आई विल टेक एम जी कॉमन हियर. ब्रैकेट में आएगा साइन 30 प्लस म्यू एस टाइम्स कॉस 30. ओके एम 2 kg, जी इज 10 एंड साइन 30 इज हाफ. म्यू एस इज इक्वल टू 0.2 एंड कॉस 30 इज 0.866 एंड दिस इज 0.5. एक्चुअली हाफ का मतलब है 0.5. समझ में आ गया? सो ये कितना आएगा देखिए यहाँ पर. दिस इज 20 एंड दिस इज 0.5 प्लस इसका डबल आएगा 1.732. तो 0.1732 चेक करिए. या 0.17. सो दिस इज 20 इंटू 0.6732 और दैट विल बी 0.13. द फोर्स नीडेड इज 0.134. ये आंसर आएगा उसका. इज दैट क्लियर? 0.13 नहीं, कितना आएगा ये? 13. हाँ 1 2 3 13 पॉइंट. दिस इज 13.4. इज दिस क्लियर? दिस इज द फोर्स नीडेड टू मूव द ब्लॉक अप. अप मूव करने के लिए ये फोर्स है. अब आप मुझे बताइए अगर इसको डाउन मूव करना है तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे चेंज होगा? हाउ दिस फ्री बॉडी डायग्राम विल चेंज इफ आई वॉन्ट टू मूव इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मुझे इसको मूव करना है तो क्या क्या होगा? वेट तो वैसे ही ऐड करेगा लेकिन ये जो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स यहाँ पर ऐसे ऐड करेगा. इट्स गोइंग टू एक्ट लाइक दिस. सो दिस इज द फोर्स एंड दैट आई वॉन्ट टू कैलकुलेट. दिस इज द फोर्स टू मूव इट डाउनवर्ड्स. लेट मी कॉल दिस एज एफ डैश. वही मुझे फाइंड आउट करना है. करेक्ट? नाउ द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल अपोज इट. उसका काम सिर्फ अपोज करना है बाबा. तो इट विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. देखिए गौर से यहाँ पर दिस इज एफ एस एंड दिस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इन टू द नॉर्मल रिएक्शन बट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस. तो ये क्या बन जाएगा? म्यू एस इन टू एम जी कॉस 30. वेरी गुड. कॉस 30. तो ये देखिए अब यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ पर अपवर्ड है. इट डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी ऑफ मोशन. इधर मोशन नहीं लिखना है मुझे. एक्चुअली वहाँ पर लिखना चाहिए टेंडेंसी ऑफ मोशन. टेंडेंसी ऑफ मोशन इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पर टेंडेंसी ऑफ मोशन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. समझे? ओके अब आप मुझे बताइए दिस इज ऑल अ लिमिटिंग कंडीशन. ब्लॉक इज अबाउट टू मूव. इम्पेंडिंग मोशन. तो ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. सो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. तो डाउनवर्ड ये दोनों है. क्या क्या है? एफ डैश प्लस एम जी साइन 30. ये डाउनवर्ड है और अपवर्ड कौन सा है? एफ एस मतलब म्यू एस आर मतलब म्यू एस एम जी कॉस 30. इज दिस ओके? अब मुझे एफ डैश चाहिए तो आई ट्रांसफर इट ऑन द अदर साइड. दिस विल बिकम एफ डैश इज इक्वल टू आई विल टेक एम जी कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या आएगा? म्यू एस कॉस 30 माइनस साइन 30. इज दैट ओके? नाउ एम इज 2 kg, जी इज 10. थैंक यू फॉर साइलेंस. म्यू एस कितना है यहाँ पे? 0.2 एंड कॉस 30 इज 0.866. साइन 30 इज 0.5. सही है? दिस इज साइन 30. नाउ दैट इज इक्वल टू 20 इंटू
इसका डबल आएगा 71732, 0.1732 माइनस 0.5, माइनस 0.5 आ रहा है ना, हाँ। इसका मतलब क्या है देखिए, इसका मतलब क्या है, निगेटिव फोर्स आ रहा है। हाँ नहीं, निगेटिव फोर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये फोर्स निगेटिव आ रहा है, 0.1732 माइनस 0.5, सो दिस इज अ निगेटिव फोर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव फोर्स? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस फोर्स को फिलहाल रखता हूँ बाजू में, फिलहाल इस फोर्स को बोलता हूँ कि जस्ट वेट फॉर अ वाइल हियर, ठीक है। और मैं एम जी साइन 30 का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम जी साइन 30? एम जी साइन 30 कम्स आउट टू बी एम इज 2, जी इज 10, साइन 30 इज हाफ, दिस इज 10 न्यूटन। दिस 10 न्यूटन इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, एफ एस। व्हाट इज एफ एस? इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। दिस आर इज द लिमिटिंग, दिस एफ एस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नो व्हाट इज म्यू एस का वैल्यू? म्यू एस का वैल्यू इज 0.2 इंटू आर इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली म्यू एस, आर इज व्हाट, एम जी कॉस 30, एम जी कॉस 30, एम इज 2, जी इज 10 एंड कॉस 30 इज 0.866, ठीक है। सो दैट विल गिव मी व्हाट? अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 2 4, 40, दैट इज 4 × 0.866, दैट इज इक्वल टू 24, 24, 24, 32, 34, 34, 34, सो 3.464 न्यूटन। अब आप एक काम चेक कीजिएगा, डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स कितना है, 10, नहीं नहीं माइनस 6 नहीं, ये इसको तो मैंने फिर मेरा कैलकुलेशन इधर रोक दिया मैंने। डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। अपवर्ड एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है 3.4, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, 3.4। इससे ज़्यादा हो सकता है क्या फ्रिक्शनल फोर्स? तो दोनों में कौन जीत रहा है? फ्रिक्शन, अरे ध्यान नहीं है तुम्हारा। डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स कितना है यहाँ पे? अरे माइनस कहाँ से आ गया, मैंने इसको कैंसिल किया है बाबा। डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स कितना है यहाँ पे, देखिए ना, ये वाला फोर्स मैंने कैलकुलेट किया 10 न्यूटन, और अपवर्ड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है यहाँ पे बताइए, 3.464। फ्रिक्शनल फोर्स इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे ही यहाँ पर 10 न्यूटन, मतलब यहाँ पर नीचे फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप नीचे घिसते जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? समझ में आ गया? सो द फोर्स विच इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक डाउन इज जीरो, दिस इज ग्रेटर, एंड देयरफॉर फोर्स नीडेड एफ डैश इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं। रादर इसे नीचे आने से रोकने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, वो आप मुझे बता सकते हो कितना है? समझ में आया क्या? देखिए ना, ये कितने से ज़्यादा है, 10 न्यूटन कितने से ज़्यादा है, 10 माइनस 3.46, या दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 माइनस 3.46, 6.54 न्यूटन जो है वो मुझे इसको रोकने के लिए, नीचे आते हुए रोकने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सो आई वुड से दिस, इनफैक्ट दिस इज द फोर्स टू स्टॉप द ब्लॉक मूविंग डाउन, दिस इज द फोर्स टू स्टॉप द ब्लॉक मूविंग डाउन। समझ में आ गया? नीचे पुश करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती उसको, वो तो छोड़ ही दो, एफ डैश इज इक्वल टू जीरो, बट दिस इज द फोर्स विथ विच यू हैव टू स्टॉप सो दैट इट गोज डाउन। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? समझ में आ गया? आई थिंक वी विल स्टॉप हियर टुडे। यस सर।